नमस्कार, बिहार तक पर आप देख रहे हैं बड़ा सवाल और मैं हूं आपके साथ रोहित सिंह। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बिहार के बनेंगे या नहीं बनेंगे, ये पूरा मामला अब उनकी जन्म कुंडली तक जा पहुंचा है। दरअसल तेजस्वी यादव ने कुछ दिन पहले दावा किया कि अगले साल यानी कि 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव में अगर इंडिया गठबंधन के सामने मुख्यमंत्री का चेहरा अगर नीतीश कुमार होते हैं तो फिर इंडिया गठबंधन की जीत पक्की होगी। और इसी को लेकर जो है वो बवाल मच गया और राजनीतिक गलियारे में एक दूसरे पर हमला होना शुरू हो गया पक्ष और विपक्ष के बीच में कि तेजस्वी यादव वो क्या कभी मुख्यमंत्री बन पाएंगे भी या नहीं। इसको लेकर जनता दल यूनाइटेड ने तेजस्वी यादव पर पलटवार किया क्योंकि जनता दल यूनाइटेड को ये बात चुभ गई जो तेजस्वी यादव ने इतने दावे के साथ कहा कि अगर नीतीश कुमार एनडीए के मुख्यमंत्री उम्मीदवार अगले साल के चुनाव में होंगे तो फिर इंडिया गठबंधन की जीत पक्की है। और अगर पक्की है तो जाहिर सी बात है मुख्यमंत्री बनेंगे तेजस्वी यादव। और इसी को लेकर ये बात जेडीयू को एक रत्ती भर भी जो है वो रास नहीं आया और फिर तेजस्वी यादव पर बरसात हो गई पलटवार की। और सबसे जो कह सकते हैं कड़ा वार किया वो थे लल्लन सिंह जो कि केंद्र में मंत्री हैं, नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री हैं, और उन्होंने तेजस्वी यादव के कुंडली पर ही जो है वो सवाल खड़े करके तंज कसा और कहा कि तेजस्वी यादव के कुंडली में ही मुख्यमंत्री बनना नहीं लिखा हुआ है। और इसीलिए अब सवाल तेजस्वी यादव के कुंडली तक जा पहुंचा है क्योंकि तेजस्वी यादव लगातार मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, एक के बाद एक चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ा जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी जब उन्हें सफलता नहीं मिल रही है तो फिर उन पर हमला हो रहा है, हमलों की बारिश हो रही है। और फिर बात उनकी कुंडली तक आ जाती है कि जब कुंडली में ही नहीं लिखा है तो फिर तेजस्वी यादव लाख मेहनत कर लें मुख्यमंत्री कैसे बनेंगे, जो बात ललन सिंह ने जो है अपने बयान में कही है। और अगर हम अगले साल के विधानसभा चुनाव पर नज़र डालें तो देखिए तमाम राजनीतिक दल जो हैं उन्होंने अपनी अपनी जो है वो शुरुआत और तैयारी जो है वो में लग चुके हैं एक तरीके से कहें, चाहे बीजेपी हो या फिर कहें आरजेडी भी हो, क्योंकि तेजस्वी यादव भी अब एक यात्रा पर निकलने वाले हैं। बताया जा रहा है कि 17 अगस्त से उनकी एक यात्रा प्रस्तावित है, पूरे बिहार का दौरा करेंगे और अगले साल के चुनाव से पहले माहौल बनाएंगे। लेकिन एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि तेजस्वी यादव का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा रहा है पिछले कुछ वर्षों में, जब से पार्टी की बागडोर अनधिकारिक रूप से उनके पास आई है, यानी कि पार्टी की कमान अभी भी आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद के पास है, लेकिन पार्टी के फैसले बहुत सारे या फिर जो नेतृत्व है या चेहरा जो है जिनको आगे रख कर चुनाव लड़ा जा रहा है वो तेजस्वी यादव है। और जाहिर सी बात है जब से लालू 2017 में जेल गए थे उसके बाद से एक तरीके से कहें तो आधिकारिक रूप से तो नहीं लेकिन अनाधिकारिक रूप से पार्टी की बागडोर तेजस्वी यादव के हाथ में है, कमान उन्हीं के हाथ में है। और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में अभी तक तीन बड़े चुनाव जो हैं वो लड़े गए हैं, यानी उनके नेतृत्व में आरजेडी ने या फिर कहें तो महागठबंधन ने तीन बड़ा चुनाव लड़ा है, लेकिन इन तीनों चुनाव में आरजेडी को हार का मुंह देखना पड़ा है। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में अगर कहें तो पहला बड़ा चुनाव लड़ा गया था 2019 का लोकसभा चुनाव, लेकिन उस चुनाव में जो नतीजा आया था वो बेहद हैरान करने वाला था क्योंकि उस चुनाव में जहां एक तरफ एनडीए की बम्पर जीत हुई वहीं आरजेडी का खाता तक नहीं खुला और आरजेडी जो है वो शून्य सीट पर सिमट कर रह गई, जिसके बाद एक कह सकते हैं बड़ा झटका लगा था तेजस्वी यादव को क्योंकि उन्हीं के नेतृत्व में वो चुनाव जो है वो लड़ा गया था। उसके बाद बात कर लेते हैं 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव की। अब 2020 का बिहार विधानसभा चुनाव भी तेजस्वी यादव को ही आगे रख कर जो है
वो लड़ा गया था आरजेडी और महागठबंधन ने, लेकिन उस चुनाव में भी तेजस्वी यादव को हार का मुंह देखना पड़ा। हालांकि मामला जो है वो बहुत करीबी हो चुका था, ऐसा लग रहा था एक वक्त में कि तेजस्वी यादव सरकार बना लेंगे, मुख्यमंत्री बन सकते हैं, लेकिन अंत में जो विधानसभा चुनाव के नतीजे आए उसके बाद नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बने और तेजस्वी यादव एक बार फिर मुख्यमंत्री बनने से चूक गए। इसके बाद तीसरा बड़ा चुनाव इसी साल का लोकसभा चुनाव था। अब इस बार के भी लोकसभा चुनाव में जो आरजेडी का प्रदर्शन है वो संतोषजनक तो बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता है। हालांकि उनकी पार्टी ने जो 23 सीटों पर चुनाव लड़ा था उसमें उनके 4 जो है प्रत्याशी जीते थे, लेकिन अगर हम स्ट्राइक रेट की बात करें तो सबसे खराब स्ट्राइक रेट भी जो है वो आरजेडी का ही था, क्योंकि 23 सीटों पर चुनाव लड़ने के बावजूद केवल 4 प्रत्याशी उनके जीते थे। हालांकि 2019 से तो प्रदर्शन बेहतर हुआ था, 2019 में 0 सांसद थे आरजेडी के, आज संसद में आरजेडी के 4 सांसद हैं, लेकिन स्ट्राइक रेट के मामले में देखें तो तेजस्वी यादव का प्रदर्शन यहाँ भी जो है वो संतोषजनक जो है वो नहीं था। हालांकि बहुत सारे ऐसे विधानसभा उपचुनाव हुए हैं जहां पर तेजस्वी यादव के नेतृत्व में पार्टी ने उपचुनाव जीता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कई उपचुनाव में उनकी पार्टी की जो है वो जीत हुई है उनके नेतृत्व में, लेकिन जहां तक बड़े चुनाव की हम बात कर रहे हैं, लोकसभा और विधानसभा चुनाव की बात कर रहे हैं, तो अब तक 3 बड़े चुनाव जो हैं वो तेजस्वी यादव के नेतृत्व में पार्टी ने लड़ा है, लेकिन किसी में भी जो है वो जीत हासिल नहीं की है। और इसीलिए लल्लन सिंह जो है वो तेजस्वी यादव के कुंडली पर जो है सवाल खड़े कर रहे हैं, जन्म कुंडली पर, कि उनके कुंडली में ही मुख्यमंत्री बनना नहीं लिखा है, तो फिर वो मुख्यमंत्री कैसे बनेंगे। और ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या वाकई तेजस्वी यादव के कुंडली में मुख्यमंत्री बनना नहीं लिखा है, क्योंकि तेजस्वी यादव के माता पिता दोनों मुख्यमंत्री रह चुके हैं और तेजस्वी यादव भी खुद दो दो बार जो है वो उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जो है वहां तक वो नहीं पहुंच पा रहे हैं। यानी मुख्यमंत्री की कुर्सी जो है उनके लिए अभी भी कहें तो दिल्ली दूर है, और इसीलिए तेजस्वी यादव की जन्म कुंडली को लेकर जो है अब राजनीति हो रही है कि क्या वाकई तेजस्वी यादव के जन्म कुंडली में सीएम बनना लिखा भी है या नहीं। बहरहाल अगले साल जब चुनाव होंगे तो फिर तेजस्वी यादव के ही नेतृत्व में लड़ा जाएगा वो चुनाव, और दिलचस्प होगा देखना कि क्या तेजस्वी यादव के नेतृत्व में अगले साल महागठबंधन कैसा प्रदर्शन करता है और खासकर आरजेडी का प्रदर्शन कैसा रहता है। बहरहाल ये थी बिहार से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबर। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक, तो मुझे आज के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।